लोग यहाँ से? हम लोग यहाँ पर खेल नहीं रहे हैं, ठीक है? यहाँ बहुत से फल हैं। ये खाना है क्या? हाँ, हमें सिर्फ वही फल खाने को मिलते हैं जो पककर पेड़ से गिर जाते हैं। कौन कौन से पेड़ देते हैं? सारे पेड़ देते हैं। ये पेड़ देते हैं? पेड़ क्या हम आपके ये फल खा सकते हैं? तो वो तुम लोग हो जो जंगल में बिना बताए चुपके से फल खाते हो। तुम्हें पता है ये गलत बात है। क्या ये जंगल आपका है? हाँ, ये पूरा का पूरा जंगल मेरा है। सच में? जब मेरे पापा छोटे थे और मेरे दादाजी भी छोटे थे, तब से ये जंगल सबका है, तो उस हिसाब से ये जंगल आपका भी है। मेरा वो मतलब नहीं है। फिर से मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा ना, तुम इसे नहीं खा सकते, समझे तुम? हमें खाने दीजिए ना। अरे पूछ क्यों रहे हो, चलो खाते हैं। ठीक है, रुको। ये खाना आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए। आ जाओ। वो रहा हमारा घर। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। इधर आओ, इधर आओ। ये लीजिए। शुक्रिया। कुछ मेहमान भी आए हैं, वो लोग वहाँ पर हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये है नोबिता, डोरेमोन, जियार, शिजुका और सुनियो। ये सब पृथ्वी से आए हैं। कैसे आप? ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी और ये मेरी बहन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है सुनियो। लाओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। जाओ, मुझे परेशान मत करो। और ये भी इनके साथ है। पर मुझे आपका नाम तो पता ही नहीं। अगर मैं गलत नहीं तो आप राज परिवार से हैं ना? राजकुमारी, पर आप यहाँ पर कैसे? पता है पापा, ये उन लोगों को वापस पृथ्वी पर भेजने वाली है ना? राजकुमारी उदास लग रही है, जरूर कोई बात है। क्या सच में? देख लीजिए तो ऐसा ही लगता है। मैं जियान हूँ। मैं मोया हूँ। हमारी शक्ल मिलती है। मोया, 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 मोया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बहुत प्यारे हो। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, बोलो। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन। अरे डोरेमोन, मैं हूँ सुनियो। सुनियो तुम? ये कीचड़ वाले कीड़े हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? अच्छा, कीचड़ वाले कीड़े हैं। ये वही कीड़े हैं जो रोकू देखना चाहता था। जो आप ये कीचड़ की बॉल देख रहे हैं, इसके अंदर इनका अंडा है और ये सारे बच्चे एक ही दिन निकलेंगे। अच्छा, ये बात है। ये तो कीचड़ वाले कीड़े हैं। अच्छा, मैं बचपन से इन्हें देखता हुआ आ रहा हूँ। ये सारे कीड़े अपने अंडे पेड़ की जड़ के पास ले जाएंगे और जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते, माँ बाप उनके साथ ही रहते हैं। और एक हैरानी की बात बताना चाहता हूँ। बच्चे उस रात पैदा होते हैं जिस दिन दो चांद आपस में मिलते हैं, और वो रात हमारे लिए बहुत ही शुभ होती है। उस रात को हम जश्न के तौर पे मनाते हैं। अरे वाह, ये देखो। ये लीजिए, ये ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसे ठीक किया। कोई बात नहीं। बेटी। जी। क्या है? अरे तुम तो बहुत बड़ी हो गई। ये तो वही अंकल हैं जो कल कीबो के साथ थे।